दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग रहते हैं और पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ अजीब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है और बहुत से लोगों की तो हॉबी होती है अपने पास अजीब अजीब चीजों को रखना। और आज इस वीडियो में भी हम आपको यही बताने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा दुनिया में मौजूद ऐसे लोगों के बारे में जो एकदम अलग और अजीब चीजों के लिए फेमस हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लव डॉल। दोस्तों, आप लोगों ने इंटरनेट में लव डॉल्स के बारे में तो सुना ही होगा और आप में से कईयों के पास तो होंगी भी। एक नॉर्मल इंसान कितनी लव डॉल रखेगा, एक, दो या तीन? लेकिन जापान का ये शख्स जिसका नाम बॉब गिब्सन है, इन्होंने अपने पास करीब 240 लव डॉल का कलेक्शन रखा है। और इनका कहना है कि यह अपनी हर लव डॉल को अपनी बीवी की तरह प्यार करते हैं। और ये बॉब महाशय अपनी हर डॉल को रोज मेकअप, कपड़े चेंज, साफ सफाई जैसी प्रक्रियाओं को अंजाम देने से भी नहीं चूकती। और इतना ही नहीं, अपने साथ ऑफिस, ड्राइव पर और रेस्टोरेंट पर खाने के लिए भी ले जाते हैं। और इन्होंने अपने घर का नाम लव डॉल मेंशन रख दिया है। अब भाई, जापान के लोगों को तो भगवान ही समझ सकता है। नेल्स कलेक्शन। यह बात सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि कोई अपने नाखून का कलेक्शन क्यों रखेगा, लेकिन ये वीडियो मैंने बनाई ही अजीब लोगों के ऊपर है। अमेरिका के लुसियाना राज्य में रहने वाले यह महाशय जिनका नाम रिचर्ड गिब्सन है, इन्होंने सन 1978 से अब तक अपने नेल्स को काट काट कर एक जार में कलेक्ट किया है। इनका यह 30,000 नाखून के टुकड़ों का कलेक्शन नंबरों में दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है। और इस कलेक्शन की एक बहुत ही अच्छी वजह है, दरअसल यह शख्स नाखूनों पर रिसर्च करके कैंसर की दवा खोज रहे हैं। ब्रा। चाइना के चैन किंग जू को महिलाओं की ब्रा इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने 20 साल के समय में करीब 5,000 से भी ज्यादा ब्रा का कलेक्शन बनाया है। और इन ब्रा को इकट्ठा करने का कारण यह है कि यह ब्रा का एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता। आमतौर पर मधुमक्खी का छत्ता देखकर हम थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें इन छातों को इकट्ठा करने में बड़ा मजा आता है। टेरी नामक यह शख्स मधुमक्खी के छाते को पिछले 25 साल से इकट्ठा कर रहा है। और इसका ऐसा करने का रीजन यह है कि यह अच्छे साफ सुथरे छत्ते को ऑनलाइन बेच देता है। अजीब डिजाइन के पोटैटो चिप्स। वैसे तो पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग पोटैटो चिप्स को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि अजीब डिजाइन के पोटैटो चिप्स जैसे बटरफ्लाई की शक्ल में या फिर कुत्ते की शक्ल में या और भी नई नई डिजाइन? मैरिल यंग नाम की एलईडी काफी समय से अपने इस कलेक्शन को बना रही है और ये खुद एक पोटैटो चिप्स इंस्पेक्टर है। निकोटीन गम बॉल। बैरी चैपल नाम का यह महाशय दुनिया का सबसे बड़ा ABC गम बॉल बनाना चाहते हैं। ABC गम बॉल का इनका मतलब है ऑलरेडी बीन च्वेब्ड। और इनकी ये बॉल बजाने की वजह यह है कि एक बार ये फ्लाइट में सफर कर रहे थे, इस दौरान इन्हें सिगरेट पीने की अनुमति नहीं और इन्होंने निकोटीन च्विंगम को चबाया जिससे इन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इन्होंने करीब 95,200 चबाई हुई च्विंगम को इकट्ठा कर एक बॉल बनाई जिसका वजन करीब 175 पाउंड था। कील। दोस्तों, कील तो आप सभी जानते होंगे और इस शख्स के पास करीब 3,000 टाइप की अलग अलग डिजाइन की कील का कलेक्शन है और इन्होंने यह कलेक्शन पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कील से बनाया है। सोवियत कैलकुलेटर। दोस्तों, वैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी करते हैं, लेकिन ये शख्स अलग अलग तरह के कैलकुलेटर के डिजाइन को कलेक्ट कर रहा है। यहाँ आपको पुराने जमाने से लेकर आज तक के सारे कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे। एक सेंट का लुसियाना के ओथा एंड्रियास अपनी लाइफ में पिछले 45 साल से एक सेंट के कॉइन को इकट्ठा कर रहे हैं और आज इनके पास करीब 5,00,000 सिक्के इकट्ठे हो चुके हैं। और इन सिक्कों से ये अपने घर में कई तरह की अलग अलग डिजाइन बनाते रहते हैं। तो आप हमें बताएं कि आपको कौन सी कलेक्शन पसंद आई। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर नहीं आई है तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।